कल सलमान सर ने आपको असगर जुर्राट कहा कि आपके पास जो भी आता है वो एविक्शन में चले जाता है. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट, ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी फनी कमेंट दैट ही मेड, बट अगर हम देखें तो देवलीना है, नेहा है, अकाशा है, तीन एग्जांपल्स थे हमारे सामने. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ऑनेस्टली देखो यार, मैं चाहे अजगर जुराट हूँ या मैं जो मर्जी हूँ, मैं बस इतना बोलूंगा कि जो भगवान है उससे बड़ा तो कुछ नहीं है ना यार। उसकी उसकी चाहे बिना तो कुछ नहीं हिलता यार। तो अगर वो चाहता है कि कोई रहे तो वो रहता है, वो नहीं चाहता कि कोई ना रहे तो वो नहीं रहता यार। मैं कैसे बोल सकता हूँ? और जनता जनार्दन है यार। मैंने जेन्युइनली सबके साथ जेन्युइनली एक ऑनेस्टली एक ट्रू फ्रेंडशिप यू नो बनाई है। एंड आई हैव बीन ट्रू एज अ फ्रेंड, आई हैव बीन ऑनेस्ट एज अ फ्रेंड, आई हैव हैड डिसएग्रीमेंट्स, बट ऑनेस्टली ज्यादा मैं बोलूँ I would really want, and I really wanted कि अकाशा हो या देवलीना हो, they should stay in the show because they've really worked hard. And बाकी जनता का फैसला था, but I can say that they have really got some potential and you know strong women, they're strong women. राइट. यू नो जस्ट अभी आपका येस्टरडे आपका और एक अकाशा का वीडियो है, आई थिंक आप लोग बिग बॉस के सेट से बाहर आ रहे हैं एंड पीपल हैव कमेंटेड ऑन सोशल मीडिया कि कमाल धमाल जोड़ी है. सो क्या अब यू नो अकाशा एज अ सिंगर वो म्यूजिक प्रोड्यूस भी करती है, क्या आप दोनों को कहीं एक साथ कुछ चीज के लिए कोलैबोरेशन करते हुए देखा जाएगा? इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो जरूर, बट अभी तक ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसी बात हमारी हुई नहीं है। बट आई एम समवन हु मूव्स विद द फ्लो, अगर जेन्युइनली हमारा लिखा होगा काम करना साथ में तो हम करेंगे जरूर। एंड आई एम श्योर पीपल आर गोना लाइक इट। एंड शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, और मुझे जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो बहुत पसंद है। और मैं भी काफी मेहनती हूँ, आप लोगों ने आई होप देखा ही हुआ। तो मैं अपनी जी जान से मेहनत करके काम करूंगा और वो भी करेंगी। अगर कुछ लिखा होगा इंशाल्लाह जरूर होगा, बाकी दुआ कीजिए। और क्या राइट. सो लास्टली यू नो बिफोर आई रैप अप प्रतीक, मुझे ये जानना है कि आफ्टर बिग बॉस नाउ व्हाट आर योर प्लान्स? क्या आप टेलीविजन में करना चाहेंगे कुछ, ओटीटी में, वेब सीरीज, या सीधा बॉलीवुड में छलांग लगाने का प्लान है, क्या आप सोच रहे हैं? टू एवरीथिंग दैट नॉट आई एम नॉट सिलेक्टिव एट ऑल, मूवी हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ भी हो, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। आई जस्ट वांट टू वर्क, आई जस्ट वांट टू वर्क हार्ड, आई वांट टू अर्न दैट विद माय हार्ड वर्क, अर्न द मनी, फेम, ऑल द love, all the support, I want to earn it all even more with all my hard work. और मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं बहुत मेहनत करने वाला इंसान हूँ और मैं बहुत मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा मैं अपनी सब कुछ हासिल करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और मुझे इतना प्यार दिया जिस प्रतीक फैम ने, एंड आई रियली अप्रिशिएट, आई थिंक उनको मेरे अंदर कुछ दिखा होगा तभी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, क्योंकि मैं जेनुइनली बहुत सरप्राइज हूँ, मैं जेनुइनली बहुत ओवरवेलम्ड हूँ, क्योंकि इतना प्यार मतलब थैंक यू सो मच टू एवरीवन यार। Thank you so much, Pratik, for talking to us. And I'm sure everyone is looking forward to your other projects after Big Boss. So thank you so much for being with us. Thank you so much, brother. God bless you.